जॉन डीवी के अनुसार अनुशासन, डीवी अनुशासन स्थापित करने के लिए सामाजिक समझदारी की बात करते हैं। विद्यालय में सामाजिक समझदारी से तात्पर्य विद्यार्थियों को विद्यालय में अनेक कार्यों का संपादन करना होता है। प्रत्येक विद्यार्थी को ऐसे ही दायित्व सौंप दिए जाने चाहिए। विद्यार्थी उन कार्यों को करते हुए स्वयं ही अनुशासित हो जाएंगे, उन पर किसी बाह्य अनुशासन की आवश्यकता नहीं रहेगी। डीवी दंड और भय और बाहरी दबाव से अनुशासन स्थापित करने का विरोध करते हैं। वे प्रजातांत्रिक विधि से अनुशासन स्थापित करने पर बल देते हैं, अर्थात विद्यार्थी विद्यालय की किसी भी एक क्रिया का चुनाव करेंगे और सभी अपने दायित्वों और कार्यों को करते हुए स्वयं अनुशासित हो जाएंगे। नेक्स्ट है डीवी के अनुसार विद्यार्थी। डीवी छात्र को प्रमुख स्थान प्रदान करते हैं तथा शिक्षण में छात्र केंद्रित विधियों के प्रयोग किया है। बालकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का ध्यान शिक्षण के दौरान रखा जाना चाहिए। डीवी कहते हैं कि शिक्षा बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए। बालक को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए जिससे वह अपना स्वाभाविक विकास कर सके। छात्र से यह अपेक्षा भी करते हैं कि वे बिना किसी दबाव के कक्षा एवं विद्यालय में सक्रिय होकर अपनी समस्त जिम्मेदारियों का पालन करेंगे। शिक्षक का स्थान। शिक्षक के संबंध में डीवी कहते हैं कि शिक्षक को कक्षा एवं विद्यालय में एक सुविधा प्रदाता के रूप में होना चाहिए जिसके माध्यम से छात्र अपना विकास कर सके। शिक्षक के द्वारा अपने विचारों को बच्चों पर नहीं लादना चाहिए। शिक्षक का कार्य एक सामाजिक वातावरण का निर्माण करना है। शिक्षक को सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए व बालकों की समस्याओं का समाधान यथाशीघ्र करना चाहिए। डीवी के अनुसार विद्यालय। डीवी विद्यालय को आवश्यक मानते थे तथा डीवी विद्यालय को समाज का लघु रूप कहते हैं। विद्यालय को समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। डीवी ने स्वयं भी शिकागो में एक प्रयोगशाला विद्यालय की स्थापना और संचालन किया। विद्यालय का वातावरण प्रजातांत्रिक होना चाहिए, वहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। विद्यालय में सभी बालकों को विकास करने का समान अवसर मिलना चाहिए। जॉन डीवी का शिक्षा में योगदान। जॉन डीवी को प्रयोजनवादी विचारक माना जाता है। प्रयोजनवाद से तात्पर्य प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य या प्रयोजन अवश्य होता है। कोई भी ज्ञान शाश्वत या सत्य नहीं होता, बल्कि सत्य की प्रकृति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार डीवी ने अनेक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किए थे जो महत्वपूर्ण है। पहला, प्रयोजनवाद की अवधारणा का विकास। डीवी ने तात्कालिक आदर्शवाद व प्रकृतिवाद के स्थान पर प्रयोजनवाद की अवधारणा का विकास किया। प्रयोजनवाद। दूसरा, सामाजिक समझदारी का विकास। जॉन डीवी ने बाह्य अनुशासन के स्थान पर छात्रों को अनुशासित करने हेतु सामाजिक समझदारी शब्द का प्रयोग किया। छात्रों को विद्यालय के भीतर विभिन्न प्रकार के दायित्व प्रदान किए जाते हैं जिनका निर्वहन करते हुए बालक स्वयं अनुशासित हो जाते हैं। इस अवधारणा का प्रयोग आज भी शैक्षिक परिस्थितियों में किया जा रहा है। तीसरा, योजना विधि का जन्म। योजना विधि के प्रतिपादन जॉन डीवी के शिष्य कील पैट्रिक ने किया था। जॉन डीवी ने इस विधि की नींव रखी जिसका प्रयोग कक्षागत परिस्थितियों में निरंतर किया जा रहा है। चौथा, विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग। जॉन डीवी ने योजना विधि के साथ साथ अनेक विधियों का प्रयोग कक्षागत परिस्थितियों में किया है, जैसे निरीक्षण विधि, स्वयं अनुभव द्वारा सीखना, क्रियात्मक विधि, तर्क विधि, परीक्षण विधि, सहसंबंध विधि इत्यादि। विज्ञान का समर्थन। जॉन डीवी ने विद्यालय पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों की अधिकता पर बल दिया है। डीवी के विचारों का ही प्रभाव है कि आज संपूर्ण विश्व के पाठ्यक्रम में विज्ञान को अत्यधिक महत्व प्रदान किया जा रहा है। नैमित्तिकवाद तथा प्रयोग विधि। जॉन डीवी ने अपने प्रयोगात्मक विद्यालय में नैमित्तिकवाद के संबंध में अनेक प्रयोग किए। डीवी के अनुसार प्रत्येक बात को सत्य नहीं माना जा सकता, केवल वही बात सत्य है जिसके व्यवहारिक परिणाम हो तथा तात्कालिक परिस्थितियों में सत्य सिद्ध होते हैं। नेक्स्ट, शिक्षक को महत्व। जॉन डीवी ने शिक्षक के महत्व को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि शिक्षक को छात्रों का मित्र, पथ प्रदर्शक व सहायक होना चाहिए। डीवी के इस विचार को आज भी शिक्षा प्रणाली में मान्यता प्रदान की जा रही है। नेक्स्ट, शिक्षा का त्रिमुखी प्रक्रिया की व्याख्या। डीवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। शिक्षण प्रक्रिया, विद्यार्थी व शिक्षक या समाज।
पाठ्यक्रम के मध्य होने वाली अंतर्क्रिया। डीवी ने शिक्षण प्रक्रिया में समाज या पाठ्यक्रम को महत्वपूर्ण माना है। विद्यालय एक लघु समाज। जॉन डीवी विद्यालय को समाज का एक लघु रूप मानते थे। डीवी के अनुसार विद्यालय अपनी चार दीवारी के बाहर एक विस्तृत समाज की प्रतिछवि है, जिसमें रहकर जीवन जीने की कला को सीखा जा सकता है, किंतु यह एक शुद्ध, सरल और श्रेष्ठ संतुलित समाज होगा। डीवी ने शिक्षा को त्रिमुखी